Today we will discuss about gamma function, its property and some examples. ठीक है, तो gamma function क्या होता है आपका? Gamma function is defined by the integral formula. ठीक है, gamma function को denote करते हैं हम ऐसे, gamma n is equal to integral 0 to infinity e raise to power minus x, x raise to power n minus 1 and dx. ठीक है, यह आपका gamma function का formula है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी फर्स्ट, गामा वन इक्वल टू वन. जो गामा वन है वो वन कैसे हुआ? ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. तो देखो, ये था आपका गामा फंक्शन का फॉर्मूला. ठीक है, तो गामा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स. अब आपने क्या करना है यहाँ पे, एन की जगह आपने वन पुट करना है. ठीक है, जैसे ही आप वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा गामा वन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर वन था, एन था यहाँ पे, तो एन की जगह वन पुट किया तो वन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस वन और डी एक्स. नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा ये जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर वन माइनस वन क्या हो गया आपका, जीरो, और ई रेज टू पावर माइनस सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा. ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डी एक्स. ठीक है, और द नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, और देखो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी. समथिंग रेज टू पावर जीरो इक्वल टू वन होता है. ठीक है, तो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डी एक्स. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है पहले जो एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन होता है वो एज इट इज़ रहता है. ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो इसकी पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन एंड जो लिमिट है आपकी जीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, जब अपर लिमिट पुट करेंगे देन लोअर लिमिट पुट करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस वन, और यहाँ पे क्या था, माइनस होना था. ठीक है, माइनस ई रेज टू पावर जीरो डिवाइडेड बाय माइनस वन. ठीक है, तो माइनस वन माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी, तो वो हमारे हमने प्रूव कर दी, क्योंकि गामा फंक्शन वन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा आपका वन के बराबर. वैसे ही गामा फंक्शन की आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है गामा एम प्लस एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल. ठीक है, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे. नाउ बाय द यूजिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड डी एक्स. ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये थी आपकी n की फॉर्म में, अब आपने n को रिप्लेस कर देना है n प्लस वन की फॉर्म में. ठीक है, रिप्लेस n बाय n प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n प्लस वन, और ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स और x रेज टू पावर जहाँ पे आपका n था वो हो जाएगा आपका n प्लस वन के साथ रिप्लेस. ठीक है, और dx एक्स यहाँ पे क्या हो गया, वन वन कैंसिल हो गया विद, क्योंकि ये क्या थे, अपोजिट साइन के साथ थे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स रेज टू पावर एन और डी एक्स. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट के साथ इसको सॉल्व करना है. ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट. ठीक है, देखो ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन. तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़. ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज़, और ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डी एक्स. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, ठीक है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, ये हो जाएगा आपका x रेज टू पावर n, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे माइनस जीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट किया हमने x रेज टू पावर n को तो हमारे पास आया n. ठीक है, और x रेज टू पावर n माइनस वन. ठीक है, ये क्लियर है. अब यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन और dx. ठीक है, जो ये वाला स्टेप है इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस वन. ठीक है, और अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ जीरो रेज टू पावर एन और ई रेज टू पावर जीरो डिवाइडेड बाय माइनस वन. ठीक है, बट आपको पता है कि ई रेज टू पावर इन्फिनिटी जीरो होता है और ई रेज टू पावर जीरो आपका वन होता है. ठीक है, तो इस केस में ये जीरो हो जाएगा और इस केस में ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा. तो जो वाला इंटीग्रल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी जीरो आ जाएगी. ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट सेकंड इंटीग्रल बचा हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस. ठीक है,
तो ये एन क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसा है, एन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। ये ऐसे टिक लगा हुआ है ना, ई रेज टू पावर एक्स एंड डी एक्स। अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है आपका गामा फंक्शन का, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका था आपका, ये था आपका गामा फंक्शन का फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की जगह हमने क्या लिख दिया, गामा एन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपकी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस के वाई वाई एन रेज टू पावर एन माइनस 1 डी वाई इक्वल टू गामा एन डिवाइडेड बाय के रेज टू पावर एन, ठीक है। हम जानते हैं कि गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या, जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिप्लेसिंग एक्स बाय के वाई के साथ, जो एक्स है उसको के वाई के साथ आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका के वाई, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू के डी वाई, ठीक है। एक्स की और डी एक्स की वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स की जगह के वाई और रेज टू पावर एन माइनस 1 और ई रेज टू पावर माइनस के वाई और के डी वाई, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे 0 टू इन्फिनिटी के रेज टू पावर एन माइनस 1 सेपरेट कर दी पावर, और यहाँ पे y रेज टू पावर n माइनस 1 और e रेज टू पावर माइनस के वाई एंड k डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो k रेज टू पावर 1 है और k रेज टू पावर n माइनस 1 है। यहाँ पे देखो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ k रेज टू पावर n। तो हमारे पास k रेज टू पावर n बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस के वाई और y रेज टू पावर n माइनस 1 एंड डी वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये इंटीग्रल है इसको एक तरफ रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस के वाई एंड वाई रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड डी वाई इक्वल टू, हमारे पास था यहाँ पे गामा एन, के वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये भी आपकी सॉल्व होगी। नाउ अब हम गामा फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा माइनस 1 बाय 2। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, गामा एन प्लस 1 किसके बराबर होता है आपका, एन गामा एन के बराबर होता है, ठीक है। तो पुट हमने क्या करना है, जो एन है उसको रिप्लेस करना है हमने माइनस 1 बाय 2 के साथ, ठीक है। तो पुट एन इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो जब यहाँ पे हम माइनस 1 बाय 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 एंड गामा माइनस 1 बाय 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपके पास गामा 1 बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे एज इट इज रहेगा माइनस 1 बाय 2 एंड गामा माइनस 1 बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमें पूछा गया है वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपने, गामा माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो गामा माइनस 1 बाय 2 हम एक तरफ रहने देंगे और बाकी जो है माइनस दूसरी, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 एंड गामा 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि गामा 1 बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडरूट पाई होती है, ठीक है। तो इसलिए जो गामा 1 माइनस 1 बाय 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 2, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट पाई। ये था गामा फंक्शन का फर्स्ट एग्जांपल। नाउ अभी हम सेकेंड एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है आपका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपका गामा फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा और इसकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, है ना। तो गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। जब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो n माइनस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। x रेज टू पावर यहाँ पे देखो 4 था और यहाँ पे x रेज टू पावर n माइनस 1 है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो ये देखो n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, गॉट इट। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, अब हमें पता था
कि गामा एन इक्वल टू जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, गामा एन किसके बराबर हो जाएगा आपका, एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो गामा एन इक्वल टू, ठीक है, 5 माइनस वन इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और हमें पता है फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, तो ओपन करते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा गामा 5 इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है गामा फंक्शन का। ठीक है, नाउ अब हम थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल है आपका 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 1/4 एंड ई रेज टू पावर माइनस अनरूट एक्स डी एक्स। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि अनरूट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स 1/2। ठीक है, एक्स रेज टू पावर हाफ। ठीक है, अनरूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, नाउ पुट, ठीक है, पुट अनरूट एक्स इक्वल टू टी, इसको टी पुट करते हैं तो x इक्वल टू टी स्क्वेयर आ जाएगा। जब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x इक्वल टू टी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट, तो डी एक्स इक्वल टू टू टाइम टी और डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी। जब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे सभी वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, x क्या था हमारे पास, टी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर रेज टू पावर 1/4 और e रेज टू पावर माइनस अनरूट एक्स था, तो अनरूट एक्स को हमने पुट किया है टी, तो माइनस टी, और यहाँ पे डी एक्स हमारे पास आ जाएगा टू टी और डी टी, टू टी और डी टी। और राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू से फोर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में जो टू है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी टी 1/2। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे टी की पावर क्या होगी, हाफ ई रेज टू पावर माइनस टी। ठीक है, और यहाँ पे टी रेज टू पावर 1 और डी टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर, यहाँ पे देखो बेस सेम है, टी और टी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जब पावर ऐड हुई तो यहाँ पे क्या आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर टी और डी टी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी टी रेज टू पावर 3/2 एंड डी टी। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी थी या फॉर्मूला था उसके साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू गामा एन। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था, गामा फंक्शन का, है ना। देन तो यहाँ पे देखो एन माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा आपका, 3/2। ठीक है, तो एन माइनस वन इक्वल टू 3/2, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/2, ये होगी एन की वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल था, हमारा गामा एन के बराबर था, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पूरे इक्वेशन में, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 एंड गामा 5/2। ठीक है, एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5/2 पुट करेंगे। नाउ अब आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी आपके पास गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन। ठीक है, तो ये था आपका गामा एन, थी आपकी 5/2, जब इसको ब्रेक किया हमने यहाँ पे तो ये हो गया 3/2 + 1। ठीक है, तो ये आपका एन आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 एंड गामा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो गामा 5/2 था उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, 3/2 एंड गामा 3/2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये था आपका गामा 3/2। ठीक है, तो गामा 3/2 था अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 + 1। ठीक है, तो 1/2 क्या आ गया आपका, एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 एंड गामा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा 1/2 एंड गामा 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 3/2। ठीक है, और हमें पता है कि अनरूट 1/2 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी गामा 1/2 की वैल्यू ये होती है अनरूट पाई होती है। ठीक है, तो हमने अनरूट सॉरी गामा 1/2 की वैल्यू अनरूट पाई पुट की। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया इस क्वेश्चन का तो हो गया 3/2 एंड अनरूट पाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।